अस्सलाम वालेकुम। हम अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सर? तो लोग अच्छे, अच्छा, आप लोग कैसे? ये तो आज ऑडियंस की तरफ से मैंने बुलाया। अच्छा ऑडियंस की तरफ से मिले। तो आज मैं हम लोग के घर में है रियाची पहली जुम्मन, वो लोग आएंगे, वो लोग को दिया है टाइम 6 बजे आने, मस्ती करेंगे, मजे करेंगे और क्या, गैदरिंग गैदरिंग करेंगे। और सबसे ज्यादा वेट मेरे को है कि मैंने रियाज को बुलाया 6 बजे, अब मुझे देखना है कितने बजे आता है वो। मेरे को रियाज ने बहुत सुना है हमेशा लेट आने पे। मैं उसको हमेशा बोलता बेटा शादी कर ले फिर बात करना, शादी कर ले। बात कर लो तो नहीं नहीं ठीक ना, कोई बात मैं करता हूँ। बैटर कैमरा करके बात करो। मैं बोल रहा था मुझे सबसे ज्यादा वेट मेरे को है क्योंकि उसने मुझे बहुत सुना है हमेशा लेट आने के लिए। तो मैं सॉरी रियाज, बार बार ये तेरी बुराई करते रहते। मैं हमेशा बोलता था बेटा शादी कर ले फिर बात करना, शादी कर ले फिर बात करना। और आज वो दिन आ गया, पहली बार से घर पे बुलाया है, अब देखते हैं टाइम पे आता है कि नहीं। मुझे सबसे ज्यादा वेट मेरे को है इसके। हाँ तो बोल, तू कुछ बोल रही थी? हाँ, तो हमारे फोन की चार्जिंग उतर गई तो कैमरा लिए, तो मैं यही बोल रही थी चाहे कितना भी इंतजार कर ले, चाहे इनकी गलती हो चाहे रियाज की गलती हो, सुनना तो तुमको ही पड़ेगा। भाई परेशान तो वो तुमको करेगा ही, जैसे अभी वो किया तो है। करता है, जैसे अभी मेरे को फिर से परेशान कर ये दिया नहीं था। कर पाएंगे परेशान उसको, कि वो लेट मैं जाएगा तो ये परेशान नहीं परेशान करूंगा, नहीं मैं कर सिर्फ पाएंगे। तो सुनाऊंगा थोड़ा सा, अभी हंसी मजाक में, सब सीरियस मोड पे नहीं। ये कितनी बिल्डिंग लगा है, मतलब कितना प्लानिंग करके बैठ रहे, मेरे को पता है। उससे अभी जैसे इनकी जान जला है ना, पूछो इनको क्या किया है। हाँ मैं बोला रियाज यार पता ना हम लोग घर पे जुम्मा की करके 6 बजे आना है। नहीं मम्मी ने बताया नहीं, तो ऐसा बोला नहीं नहीं मैं तो सबके दोस्तों को बुला लिया यहाँ पे, हमारे यहाँ पे जुम्मा की आज कर रहे हैं हम लोग। मैं बोला यार फोन तो मेरे आपा को तो पता है, आपा का फोन तो जरा इसको फोन दिया, फिर उसको बता मजाक करा था मुझे, फिर भी टेंशन दे दिया। बोला यहाँ सब तैयारी हो गई हम लोग की, सब कुछ हो गया है, और वो बोल रहा है कि नहीं, तो मुझे कुछ पता ही नहीं, मम्मी ने बताया इसलिए मेरे को। देखे ना परेशान तो उसने, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हो जाए रियाजी परेशान करेगा। घर का छोटा है काग बनता है उसका छोटा है सबसे। तो मैं गाइस पहनी हुई यार एड्रेस, अभी मुझे नहीं मालूम मैं शाम तक सीवी लूंगी या चेंज करूंगी। अच्छी लग रही है तू, शायद चेंज भी कर सकते हैं, शायद नहीं भी चेंज कर सकते, लेकिन हाल के मतलब फ्रेश होके है, मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिया थोड़ा। आज जुम्मा तो नहाए देगी बराबर पड़ो, तो मैंने थोड़ा मेकअप शेकअप भी कर लिया और कान का भी पहन ले रही हूँ। क्या पता, देखो अब थोड़ा सा ना डेकोरेशन वगैरह करेंगे हम लोग, क्या पता अगर मुझे वापस तैयार होने का टाइम मिला तो तैयार होगी, दूसरे कपड़ा पहन के नहीं मिला तो फिर इसी में रहते। नहीं वैसे अच्छी लग रही तो कोई दिक्कत नहीं चेंज करने, लग रहे चेंज करने के लिए। नहीं फिर लोग बोलेंगे ना क्या घर में पूछे था फिर पहना हुआ कपड़ा पहनी, तो मेरी बहन है वो ज्यादा फिक्र करती है भाई, बाहर भी जा रहे हैं। वैसे भी अभी मेरे पास सारे पहने हुए कपड़े हैं क्योंकि अभी मेरी हेल्थ है, कि वो देखो सब नए कपड़े टाइट हो रहे थे, जो नहीं पहनी वो पहन नहीं सकती और जो पहनी हुई वो कम्फर्टेबल आ रहा है तो मैं वही पहनूंगी कुछ, तो प्लीज माइंड मत करो। मैं इतना मतलब मेरे पास आई नहीं कि मैं डेली डेली नए नए कपड़े लेके पहनूँ। अभी बताना आप लोग ये कान का मेरे एड्रेस पे जा रहे हैं? जा रहा जा रहा जा रहा प्रॉपर जा रहा एकदम मैंने सारे इयररिंग्स ना ऐसे डब्बे में रखे हुए हैं, सारे अलग अलग इयररिंग्स, तो मैं ढूंढ के पहनी अभी कि क्या पहनना चाहिए। तो अच्छा लग रहा है ना, फेस कुछ ज्यादा नहीं वाइट लग रहा है क्या, कैमरे में लग रहा है ऐसा? देखिए पैसे इसमें फिलहाल थोड़ा व्हाइट दिख रहा है, मैं भी बहुत ज्यादा गोरा दिख रहा है, इतना मस्त गोरा लग मैं रहा है माशाल्लाह। कैमरे की क्लैरिटी, बाहर खड़े रहे के बैल्कनी में खड़े देखो, इतना गोरा मैं हूं नहीं वैसे से, बताओ ना घुमाओ ना कैमरा कहां कर रहा है। टन टन टन, चलो आप उन्हें सुबह से क्या क्या तैयारी की हो बताते हैं। हाँ चलो गाइस मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ, अभी घर में नहीं दिखेंगे, देखो बाहर कितने अच्छे दिख रहे थे हम लोग। आप घर में अलग सेटिंग, घर में अलग सेटिंग, अभी आजम अंदर सो रहा है, इधर बेडरूम में सामान रखा है, जरा कम आवाज में बात करेंगे। ये देखो अब भी आपके भाईजान काम पे से आए ना तो मिठाई लेके आए और साथ ही साथ मेरे लिए पफ लेके आए खाने के लिए, डेकोरेशन का आइटम देख सकते हैं यहाँ पे। मैंने ना आजम का डेकोरेशन मुझे बहुत अच्छा लगा था उसके चिल्ले का, तो मैंने वही बोली लेकर आने, ब्लू कलर की पन्नी और ये अल्फाबेट्स, लेकिन लिखने क्या वाले हैं, हाँ ये भी लेके आए, और लिखने क्या वाले हैं ये सरप्राइज है, सस्पेंस है, जब लिख के हो जाएगा ना हम लोग वॉल डेकोरेट कर लेंगे ना तो डायरेक्ट आप लोगों को बताएंगे। वैसे जब तक आप लोग गैस कर सकते हैं कि हम लोग वॉल पे क्या लिखने वाले, फर्स्ट जो मगी के लिए इंसान क्या ही लिख सकता है, आप लोग बताओ जरा, है ना? तो ऐसा आप लोग भी मेहनत करो जरा, हाँ मेहनत करो, क्या बता मैच कर जाए हमारे करने से पहले आपका कमेंट, लेकिन कुछ कुछ बहुत शातिर रहते ब्लॉग है ना, आगे स्किप करके देख लेंगे, और पहले के मैंने वीडियो को स्टॉप करके कमेंट किया है बाजी। खेलते हैं खेलते खेलते अच्छा लगता है। चलो खैर कोई नहीं, मिलते हैं आप लोगों से, कहाँ जा रहे हो तुम अभी? पेंडिंग वर्क करके आता हूँ। हाँ मेरा अच्छा पेंडिंग वर्क, पहले बाहर चलते नहीं तो आजम ना उतरेगा।
तो पेंडिंग वर्क में ना सबसे पहला तो ये ड्रेस मैंने पहन चुकी हूँ हैदराबाद में, लेकिन सच्ची बताऊँ मैंने इसका ना बीडिंग तक नहीं किया है, देख सकते हैं आप, मैंने ऐसे ही पहना था। अभी जब धो के निकला ना तो उसके थ्रेड्स बहुत बाहर निकल गए, तो ये ज़रूरी है कि इसको बीडिंग के लिए भेजूँ। और साथ ही साथ हाँ वो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, चालू रहेगा तो होएगा वो। नहीं तो कुछ तो भी करा के लेके आ जाओ, क्योंकि अभी ये सारे कपड़ों का मेरा सारे दुपट्टों का बीडिंग हो रखा है, बस इसी का बचा हुआ है और मैं रेगुलर पहनना चाहती हूँ घर के अंदर, वरना फिर दुपट्टा पता है ना खराब हो जाता है अगर अपन बीडिंग वगैरह नहीं करेंगे। तो नए 3 ड्रेस लिए हैं, वो भी सिलाने डालना है, वो सब बाद में करेंगे। अब भी जा रहे हैं वो अभी फूल हार लेने के लिए, फूल हार दूल्हा लेने के दुल्हन के लिए, लिए। और जो मैंने अल्फाबेट लिया उसमें एक अल्फाबेट कम था, उसने मतलब पांच मत कलर आया बताना, था नहीं वो। तो हाँ उसमें लोग मैंने उसका सस्पेंस एक सस्पेंस अल्फाबेट कम है खेलेंगे। तो वो लेने जाऊंगा, वो शायद 5 बजे तक आ जाएगा। हाँ फूल हार, अल्फाबेट और डबल सेट टेप डेकोरेट को जो सामान लगा उसमें चिपकाने के लिए तो ऐसे बस, और दुपट्टा। देखना रियाज लेट ही जाएगा, और फिर आएगा ना तो मैं तो कैमरा लेके पहले से खड़ी रहूंगी, कौन किसको क्या बोलता है, मेरे को आज मैं देखने ये का जीतूंगा। मेरे को आज देखने का। चलो गाइस अभी मिलती हूँ थोड़े टाइम के बाद आप लोगों चल से। निकले तू, हाँ निकलो, दुनिया तू रहे मैं निकलता मैं भी मतलब। चलूँगा सुनार के पास, मेरे को सुनार के तू पास मतलब जाना। बात सुना वो तो जा, सुनार क्या बोल रहा है? आज कंफर्म देने का बोला था उसने, तो जाके देख ले, टूट जाएगा 5-10 मिनट में, अपन जाके आ जाएंगे। कितना बज रहा है एग्जैक्टली चल उषमा फिर के आने का चलते, टाइम? उषमा के आने का टाइम भी हो रहा है ना, कितना बज रहा है अभी एग्जैक्टली? तो पौने 5, 4:30 हो रहा है, 4:30 हो रहा है अभी तो, ठीक है चलो फिर, 5 मिनट 6 बजे छूटेगी वो। ठीक है चलेगा। चलो गाइस देखते हैं, मैं भी जाती हूँ, मैं तो तैयारी छू, ऐसे भी निकल सकती हूँ आजम को लेके, तो ठीक है साथ ही में निकल जाती हूँ। गाइस मजे की बात अभी मैं आप लोगों को सुनाऊंगी, एक्चुअली मैं नहीं सुनाऊंगी, आपके भाईजान ही सुनाएंगे मैं तो क्या ज्यादा अच्छा सुनाऊंगा, लगेगा। क्या हुआ अभी तुम्हारे साथ, जिस चीज का आपके भाईजान इंतजार कर रहे थे, जो घड़ी का इंतजार हो रहा था ब्लॉग के स्टार्टिंग से, वो घड़ी आने से पहले ही वो घड़ी पहली सामने खुल गई। घड़ी टूट गई। बोलो हमने टाइम दिया 6 बजे का, अब मैंने पहले फोन करके बोल दिए, नहीं नहीं इतना जल्दी लगे क्या करें हम लोग, इसका है उसका है, ये यूसुफ छूटा है स्कूल से, जो भी था रीजन, हम लोग 7 बजे तक आएंगे यार, पहले 1 घंटा लेट हो गया ऑलरेडी, अब देखते 7 बजे तक आते हैं कि नहीं। लेकिन तुमको क्यों इतनी वो है, मतलब मेरे को ये जानना है कौन सा, मतलब क्या है तुम्हारे मन में, ऐसा क्या है, क्यों इतना, अपना घर का फंक्शन है, कोई मेहमान मतलब बाहर से आ रहे नहीं पहले भी है अपने घर पे क्या, बाहर भी फंक्शन थे जो मैं ज्यादा था तेरे को बाहर ले तो कोई आ रहा है नहीं, कोई ऐसे किसकी टाइम नहीं लेते खराब था। होने वाला अपने वजह से, उसका ही फंक्शन है, उसकी देखो चिरा मुझे कोई वो सम्मान कोई गिला शिकवा नहीं है, खाली मुझे सुनाना बस ऐसे, थोड़ा परेशान करना उसको, परेशान करेंगे मुझे लेने के आज लिए मत करो आगे कर लेना कभी, बाद में, क्या मतलब मेरे घर का फंक्शन होता क्या होता। दिल में है उनकी, कर लो अपनी हसरत पूरी। मैं नहीं बोलूंगी इन लोग क्या बीच में, क्योंकि इन लोग आपस में पता नहीं कौन कौन सी क्या क्या बात करते हैं, जब भी मैं इनसे पूछती हूँ मेरे भाई से क्या बात हुई, तो आपस हमेशा की बात बोलते हैं है, आपस की बात है, भाइयों से पूछो क्या बात हुई तो बोलते हैं आपस की बात है, आपस तो फिर की। आपस में जो करने का करो भाई, हमारे तक हाँ मत मतलब लाओ। मैं अम्मी को भी वही बोली, मैं अम्मी क्या, बोल मैं लो कि 6 बजे आपस से की बात फूकने है, चालू करूंगा रियाज को, नहीं 6 बजे फूकने से यार, 6:30 हो गया परेशान करना, रियाज, 6:30 हो गया मूड भी रियाज, खराब पौने सात कर हो देना। गया। तो गाइस मैं भी जा रही थी ना सुनार के पास, एक तो मेरा दिल भी है जाने का और नहीं भी है दिल जाने का, क्योंकि मुझे पता है मैं चले गई ना सुनार के पास, आराम से 1.5-2 घंटे वहां पे फुर्सत हो जाती है, नहीं अगर तू मैं प्लान नहीं करके जाऊंगी। जाएगी तो फटक जाके आ सकती है, खाली पूछ के। पर नहीं मैं नहीं जा रही आज, आज मैं नहीं जा रही, अभी मैं बैठ के वीडियो एडिट कर लेती हूँ, आपके भाजन को भेजती हूँ, आधे घंटे में 2-4 काम जो है वो निपटा के आ जाएंगे, ठीक है उसके ना, बाद क्योंकि मैं जाऊंगी साथ में तो घर में भी डेकोरेशन बाकी है, साथ में गए तो टाइम पास करके आएंगे, अकेले जाएंगे तो फटाफट आएंगे और फटाफट हम लोग यहाँ पे ये वॉल को डेकोरेट कर सकते हैं, समझे मेरे बोलने चल का मतलब समझ ये, गया, और आते मेरी आवाज़ हैं कैसी ऊपर नीचे हो रही है ना मेरे को भी समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं ठीक है अभी ऐसे ही काम चलाएंगे, आवाज़ में आ रहा है ना कुछ तो ऐसा है। चलो मिलते हैं आप लोगों से, जाओ फिर तुम जल्दी। मैंने फिर से निकाल लिया ये डिनर सेट, साफ सुफ करके रखे किचन पे पानी निथरने के लिए, तो यह काम आसान हो गया पहले। आओ गाइजो चिकन पफ खाने के लिए, अच्छा गरम गरम लाए थे आपके भाईजान, लेकिन मैं तभी खाना खा के बैठी थी, पेट भरा हुआ था, अभी थोड़ा पेट खाली हुआ तो फिर मैं सोची खा लेती हूँ, पूरा ठंडा नहीं हुआ है क्योंकि ये अभी तो अच्छा लगेगा, पूरा ठंडा होने के बाद अच्छा नहीं लगेगा। उठ गया है आजम की निन्नू, पूरी हो गई है दगली, ए दगली बेबी, मेरी छोनी बेबी, मेरी राजकुमार, मेरे लाडो राजा, अभी आएगी अप्पी, कौन आएगा आजम, अप्पी क्या करती है, अप्पी क्या करती है, निशान कैसे करती है आजम, ऐसा ऐसा ए निशान ऐसे गिरती ना वो तुम्हारे लिए है ना, ऐसे गिरती ना तो तुमको मजा आता ना, है ना, ऐसा कैसे ए डिचाम ऐसे गिरती ना आपकी, है ना, टक्कली मेरा जवाब देता माशाल्लाह।
गए सब, हो गई तैयारी। ये क्या है? दुपट्टा है मेरा। अच्छा चलो फटाफट लगाना शुरू करते। आजम सो रहा था ना तभी अच्छा मौका था, लेकिन अभी आजम उठ गया, अभी करने दिया उसने अपने को। 2 मिनट। हाँ कहाँ है रफू? कहाँ है वरला? बीडिंग। हाँ हो गई, सही है, इसको बोलते हैं एक्चुअल बीडिंग। उस दिन क्या करवा के लाए थे तुम? बीडिंग वाली बंद थी वहाँ पे, तो उसने सिलाई मशीन करवा सेटिंग करके दिया था कि तुम्हारा काम खराब चलता रहा। अच्छा चलो सही है। ये ले ओ, ठंडा ठंडा मत दो मत दो मत दो। पकड़ पकड़। अल्लाह नहीं हो, सर्दी हुई है उसको। एक तो पकड़। अच्छा लग रहा है? अच्छा वो हटाओ बोतल जरा वहाँ से, देखो छोड़ दिया। कैसा आजम? कैसा मामा? पकड़ो 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 पकड़ो, छोड़ दे रहा है। कैसा कैसा अरे पकड़ तेरा भाई, हमको पकड़ो। क्या बराबर है? बराबर है, थोड़ा सा हल्का था। रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा बराबर है, एकदम एग्जैक्ट है। हाँ चिपका दो, डबल टेप की जरूरत नहीं पड़ी ना। डबल डबल इधर है। सही, वो शू का स्टैंड बाहर रखना आज। हाँ। नहीं आती, अम्मी तो खाना खिला रही थी, क्यों नहीं खाया तू? दूध आपटा, यू वांट मार? क्यों नहीं खाया खाना तू, बोल मेरे को, बोल जल्दी, क्यों नहीं खाया? क्या वो बोल। उसको पता है वीडियो बन रहा है। पहले डर गया था, पहले डर गया था, जैसे उसने कैमरा देखा वो हंस दिया। ये पक्का व्लॉगर बन गया बाबू, कि अपनी तकलीफ को छुपा दो, कैमरा देखते साथ हंस दो। सही वाला व्लॉगिंग करेगा बेटा तू तो। अभी तू डर गया था, मैंने देखी थी, रोने वाला था, है ना? जैसे मैंने कैमरा ली, कैमरा देख के आता आदम कैसा माँ इधर देख। क्यों क्यों टपका टपका देगी, समझा रियाज बोल रियाज नीनू आई माँ को। अभी तो सो के उठे ना तुम? अभी ना बहुत सारे लोग है ना कंफ्यूज है, कमेंट करते हैं अपने सब्सक्राइबर, बोले मैं सच्ची, मतलब उनका बोलने का स्टाइल उनके हिसाब से था। अगर मेरे स्टाइल में देखा जाए तो बोले ऐसा होएगा, मेरा दिमाग पागल हो रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस माँ को पापा बोलती थी जब ये बच्चा था, और वो आजम को मम्मा बोलती है, इसका कोई लॉजिक है? मम्मा ए पापा, मैं तुझे भी मम्मा पापा दोनों बोलती हूँ ना, उस माँ को भी बोलती थी। तो मुझे जैसा हार चाहिए था वैसा मिल गया है, लेकिन जहाँ से ऑर्डर दी थी वहाँ से नहीं मिला है। आखिरकार डांडी हो गई हमारी वहाँ से, तो आपके भाईजान ने कहीं और से लेके आया, लेकिन अच्छा हुआ यही फूल लगा के लेके आए। सब खुशबू होती है ना घर के, मेरे को ऐसे फूल और गुलाब का अच्छा लगता है हार। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने बड़ा थाला निकाल के ले लिया है, जो कपड़े लाई वो इसमें सजा दूंगी, मिठाई वगैरह सब इसमें रखूंगी। आना पॉसिबल नहीं लग रहा ड्रेस के साथ कुछ भी इसमें, देखते हैं, लेकिन फिर भी इससे बड़ा थाला नहीं है मेरे पास, इससे बड़ा होना चाहिए था, जो कि है अम्मी के पास, इसका बड़ा वाला थाला। सो फाइनली आपके भाईजान ने जो है वॉल तैयार कर दी, आपके बेटे ने, आपके भांजे ने, आपके भतीजे ने, आपके भाई ने, आपके और के सब सब बोल दी मैंने आज, क्योंकि भाईजान बोलती तो बहुत सारी तकलीफ होती है कि भाईजान भाईजान क्या करती। मैं इसलिए भाईजान बोलती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादातर लोग दीदी आपा ऐसा बोलने वाले लोग हैं, मतलब एज वाइज हम लोग को सारी चीज़ें पता चलती है कि कौन सी एज के लोग ज़्यादा वॉच कर रहे हैं। तो अभी मेरी उम्र वाले कुछ ज़्यादा वॉच करते, मेरी उम्र वाले ही कमेंट ज़्यादा करते, तो इसके लिए मैं आपके भाईजान बोलती, क्योंकि जो मुझसे बड़े लोग हैं वो लोग कमेंट ही नहीं करते हम लोग, मतलब मेरा एकदम से उनसे वो नहीं होता, इंटरेक्ट है बाबा ऐसा बोलते ना, बातचीत नहीं हो पाती है शायद, क्योंकि उन लोग कमेंट नहीं करते, तो इसलिए जबान पे आ जाता है कमेंट देखते थे सडनली कि हाँ आपके भाईजान। उसके अलावा और कोई गलत मत समझना, सही बोली कि नहीं बाबू? सही बात है।
तो चलो मैं अभी फटाफट आप लोगों को दिखाऊं क्या हम लोग ने वॉल पे क्या लिखा है, क्या आप लोग अगले ब्लॉग में देखेंगे, क्या बोलते हो बाबू? अगले ब्लॉग में देखो फिर वॉल पे क्या लिखा है, क्योंकि मैं देखो तो सही आप लोगों ने कमेंट किया भी कि नहीं किया, और मैंने आप लोगों को हिंट भी दे दिया था, थोड़ा कैमरा हो भी गया था, आप लोगों ने देख भी लिया होगा शायद से, नोटिस भी कर लिया होगा, लेकिन नहीं भी किया है तो आप लोग कम से कम तुक्के तो लगा ही सकते हैं बाबू, क्योंकि तुक्के लगाने में तो आप लोग बहुत माहिर हो, हंसते क्या चुपके चुपके तो ऐसा है। चलो कमेंट करके फटाफट बताओ हम लोग ने क्या लिखा है। अल्लाह हाफिज़ बाबा, अपना ख्याल रखना, अपनी दुआ में याद रखना।